हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और राखी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मावा खोपरा पाक की रेसिपी लाई हूँ। ये खोपरा पाक बनाने में सिर्फ 10 मिनट लग जाएगी और खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खोपरा पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हेवी बॉटम कढ़ाई गैस पर स्लो फ्लेम पर रख दे। उसमें हम शक्कर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप शक्कर डाल रही हूँ। वजन में 200 ग्राम शक्कर है और जिस कप से आपने शक्कर डाला था उसी कप से 1/2 कप पानी डालें। वजन में ये 125 ग्राम पानी है। इसे लगातार मिक्स करते हुए बॉयल होने देंगे। यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी करना होगा। लगभग 5-7 मिनट बाद आप देखिए शक्कर अच्छे से घुल चुकी है लेकिन इसमें चाशनी नहीं बनी है। जैसे आप इसे करछे से गिराते जाओगे तो आप देखिए ये जो चाशनी है फटाफट से नीचे गिर रही है। और जैसे आप अगर हाथ से भी इसे चेक करोगे ये चिपचिपा तो है लेकिन एक तार नहीं बनी है। तो इसीलिए हमें इसे और 4 से 5 मिनट कुक करना होगा। अब 4 से 5 मिनट में आप देखिए चाशनी में काफ़ी सारे बबल्स दिख रहे हैं, मतलब चाशनी तैयार तो हो चुकी है। चलिए अब चेक करते हैं। करछी से आप इस तरह नीचे गिराइए तो देखिए जिस तरह बूंद हल्के से नीचे गिर रही है यानी चाशनी तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम एक और तरीका देख लेते हैं। चाशनी को थोड़ा ठंडा होने दें, फिंगर्स के बीच में इस तरह आप इसे चेक करें। एक तार की चाशनी बन चुकी है। बस हमें इतना ही चाशनी बनानी है। गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। अब हम इसमें मावा डालेंगे। तो उसी कप से मैं 1 कप मावा डाल रही हूँ। वजन में ये 200 ग्राम मावा है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आप एक कप रख लें और उसी से आप मेजर कर लें। मावा को शक्कर की चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दें। मावा जब भी डालते हो उसे पहले ग्रेट कर ले, यानी खिसली से खींच ले, उसके बाद ही इसमें डाल दें। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आप देखिए मावा और शक्कर की चाशनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपको केसरी खोपरा पाक चाहिए तो यहाँ पर 2 बूंद केसर कलर डालें और 2 टेबलस्पून दूध में 8 से 10 केसर को भिगोकर रखें और वो इसमें डाल दें। आज मैं सिर्फ इलायची पाउडर डाल रही हूँ। लगभग मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद एक बार ये इस मिक्सचर को अच्छे से बॉयल आने दें। लगभग 2 मिनट में ये बॉयल आ जाएगा। बस गैस बंद कर दें। अब हम इसमें सूखा खोपरे का पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम सूखा खोपरे का पाउडर डाल रही हूँ। कप के मेजरमेंट से 2 से 2.25 कप की खोपरे का पाउडर है। और इस मिठाई में थोड़ा सा ग्लॉसीलेस यानी शाइनिंग लाने के लिए 1 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे। अब इस सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है। बस हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसी कढ़ाई में इसे 8 से 10 मिनट ठंडा होने देंगे। इस तरह आप कढ़ाई में ही पूरा उसे फैला दें और 8 से 10 मिनट ठंडा होने दें। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सेट करने रख देंगे। तो यहाँ पर मैं एक टिन ले रही हूँ और जिसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। आप सारे मिश्रण को उस टिन में डाल दें। आप चाहें इसे थाली में भी कर सकते हो लेकिन जिसमें भी आप इसे सेट करने वाले हो उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर दें। अब हम इसे स्पैटुला से एकदम फ्लैट और चिकना कर देंगे और इसे सेट होने देंगे। अक्सर सेट होने के बाद ऊपर की लेयर थोड़ा ड्राई हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा घी लेके और ऊपर हल्के से प्रेस कर देंगे ताकि ऊपर से भी ये सॉफ्ट रहे। अब यहाँ पर इसे सेट करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे रख दें। वैसे आप इसे 10 मिनट में भी कट कर सकते हो लेकिन उसके एडजेस एकदम शार्प नहीं आएंगे। मैं आपको 10 मिनट में इसे कट करके बताती हूँ। थोड़ा सा मिश्रण मैंने साइड में रख दिया है। अगर आपको इस तरह के बर्फी नहीं बनाना हो आप लड्डू भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मिश्रण ले और हाथ में अच्छे से रोल कर दे और गोल गोल लड्डू बना दे। तो ये हमारा नारियल का लड्डू भी तैयार हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको 10 मिनट के बाद इसे कट करके बताती हूँ। अगर आपको परफेक्ट एडजेस्ट चाहिए तो आप इसे कम से कम 8 से 10 घंटे रहने दें तो एकदम शार्प एजेस आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर अगर आपको वरक लगाना हो तो आप लगा सकते हो। मैं भगवान जी के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं वरक नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए एकदम मार्केट जैसे सॉफ्ट नारियल की बर्फी तैयार हो चुकी है। बनाने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं और सेट करने के लिए सिर्फ 10 मिनट, यानी इन टोटल 20 मिनट में नारियल की बर्फी तैयार हो जाएगी। आज के जो मेजरमेंट में मैंने नारियल की बर्फी बनाई है वो वजन में 600 ग्राम बन चुकी है। तो देखा ना फ्रेंड्स, घर में नारियल की बर्फी बनाना काफ़ी इजी है।
तो किसी भी तीज त्योहार या उपवास में आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी नाल की बर्फी कैसी बनी। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज़।